माय सीपीसीटी एग्जाम। तो देखिएगा यहाँ पे हम जो क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं वो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चन होता है मतलब लास्ट में 40 क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों ने जो है यहाँ पे सही दिया है और बहुत से लोग जो है कमेंट ही नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे बस नेटवर्क के अंतर्गत, तो इसमें ऑप्शन थे अपने पास नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो बस नेटवर्क के अंतर्गत पूछा था तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे अपने पास इसके दो ऑप्शन थे और तीन ऑप्शन और यहाँ पे हैं जिसमें था प्रिंटर नहीं होते हैं उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है वन, यानी कि आपका यहाँ पे है कि बस नेटवर्क के अंतर्गत जो है यहाँ पे कौन सा होता है नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में यहाँ पे जुड़े रहते हैं। चलिएगा हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे ये जो होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देता हूँ सबसे लास्ट में हम करते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है ना। चलिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा इसे ऑल पर क्या है सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा आप सभी को हमारे आने वाली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिएगा यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है यहाँ पे है कि नेटवर्किंग सुविधा का रूप है ईमेल सुविधा है डब्ल्यू वेब सुविधा है अपलोड एवं डाउनलोडिंग सुविधा है उपयुक्त सभी है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 4 है जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क सुविधा का जो स्वरूप है उसमें हम ये सब कर सकते हैं ईमेल सुविधा कर सकते हैं डब्ल्यू वेब कर सकते हैं और अपलोड एवं डाउनलोड यहाँ पे सुविधा कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आप सभी का यहाँ पे है पूछा गया है आप सभी से कि पर्सनल कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं है ना। तो यहाँ पे जो स्पीकर है मॉनिटर है प्रिंटर है और उक्त छवि है ना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हैं तो सारे 40 क्वेश्चन आप बिल्कुल रीड करिएगा और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिखाया तो इसमें से जो है आप मेरे को कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं कि इसमें से जो है ये सही आंसर है या ये नहीं है ना। तो यहाँ पे जो पर्सनल कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण कौन सा होता है स्पीकर मॉनिटर प्रिंटर उक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सभी लिखा है वो आपका उपरोक्त सभी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा 4 होगा। अब एक पर्सनल कंप्यूटर है आपके पास इसमें आपके पास स्पीकर भी होगा मॉनिटर भी होगा और प्रिंटर भी होगा क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो पर्सनल क्या बोलते हैं हम लोग पीसी बोलते हैं। पीसी में क्या है हमारे पास सभी चीजें मतलब खुद का ही होता है सॉम का ही होता है तो उसमें सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं। चलिएगा पर्सनल कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है तो यहाँ पे स्कैनर है माइक्रोफोन है टच पैड है ट्रैक वॉल है उक्त सभी है। यहाँ पे क्या पूछा है उसका इनपुट पूछा है तो स्कैनर से भी इनपुट आएगा माइक्रोफोन से भी जाएगा टच पैड से भी जाएगा और ट्रैक वॉल से भी जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा अपना 5 होगा उक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे टच पैड होता है टच पैड यानी जो माउस के नीचे रखा होता है तो उसमें मतलब को जो लैपटॉप भी होते हैं तो उसमें भी टच पैड होता है आपका उसमें वहां पे टच कर लेते हैं बट जो हमारा डेस्कटॉप होता है तो वहां पे टच करने के लिए हमारे पास एक माउस होता है जिसके द्वारा हम मतलब क्लिक करके काम करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी के मतलब सीपीसीटी में मुझे जहां तक पता है कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार आ चुका है यहाँ पे 2 से कम 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी डिस्क होती है फ्लॉपी की जो यहाँ पे भंडार क्षमता है वो कितनी होती है 1.44 MB होती है 1.44 GB होती है 1.06 MB होता है या यहाँ पे 100 GPM होता है और 001.6 MB होता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है 1.44 MB है यानी कि ये सही आंसर है। अब आपको ध्यान क्या करना है जैसे 1.44 GB यहाँ पे भी दिया है तो आप आपको ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत जल्दी क्लिक करने का मतलब
अपने अंदर जो है वो होता है कि जल्दी से मैं ऑप्शन को क्लिक करूंगा और झट से अगले क्वेश्चन पे पढ़ूं। तो आपको यहाँ पे एम भी जरूर देख लेना है, नहीं पता चले कि आप जीबी पे यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर आप कहेंगे कि मेरा क्वेश्चन का जो आंसर तो सही था बट मेरा नंबर कम हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो मिस्टेक होती है वो सभी को आपको ध्यान रखना होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्कैनर है, प्रोम है, उक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, मैग्नेटिक डिस्क लिया गया है। तो मैग्नेटिक डिस्क में यहाँ पे आप देखेंगे अलग ही एक मेमोरी होती है जो कि अलग से हम बाहर इंटरनल स्टोरेज के द्वारा लगाते हैं। रैंडम हुआ, स्कैनर हुआ, प्रोम हुआ, ये मतलब रैंडम उसी में रहेगी, इनबिल्ट रहेगी, बिल्ट रहेगी उसी में, प्रोम भी रहेगा। तो इनमें से सही आंसर क्या है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 5C हो जाएगा। अब मैग्नेटिक डिस्क से अपनी एक हार्ड डिस्क होती है और हार्ड डिस्क से रिलेटेड देखिएगा यहाँ पे आपका अगला भी क्वेश्चन है। तो चलिएगा बिल्कुल जस्ट इसी को देखते हैं यहीं पे। इसमें क्या पूछा गया आप सभी से कि हार्ड डिस्क है, रोम है, सरोम है, मैग्नेटिक डिस्क और स्कैनर है और यहाँ पे प्रिंटर। तो जस्ट मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे देखिएगा मैग्नेटिक डिस्क जो है क्या है यहाँ पे, एक हार्ड डिस्क। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया यहाँ पे कि कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचनाएं खत्म हो जाती हैं, वो है मेमोरी है। तो जैसे ही हमारा जो कंप्यूटर बंद होता है तो उसमें जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, है ना। तो रैम में होता है, रोम में होता है, प्रोम में होता है, ईप्रोम में होता है, तो सभी में होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है रैम में होता है, यानी कि वन ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, निम्न में से कौन कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, कौन कौन सी यहाँ पे पूछा है, रैम है, रोम है, प्रोम है, ईप्रोम है, उपयुक्त सभी है ना। तो सही आंसर हमारा है उपयुक्त सभी। यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी के बारे में पूछा है तो रैम भी आती है, रोम भी आती है, प्रोम भी आती है, ईप्रोम भी आती है। प्रोम होता है हमारा PROM है ना, ईप्रोम होता है हमारा PROM है ना। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे जो था ऑप्शन हमारा क्या था, 4, 5 सही था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं, 10, 20, 30, 40 या 50। तो यहाँ पे बार कोडिंग का पूछा हुआ है कितने अक्षर यहाँ पे होते हैं, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 10, यानी कि यहाँ पे कितने होते हैं, 10 होते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन जो है हमारे कैसे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें जो है आपके कंप्यूटर के जी का जो क्वेश्चन होगा सबसे ज्यादा आने के चांसेस आपके CBCT और CCC में होते हैं। साथ ही आपके जो भी कंप्यूटर्स की क्वेश्चन में कराता हूँ, हर एग्जाम में आपको कंप्यूटर की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बट सबसे ज्यादा आपको यहाँ इन दो चीजों में देखने को मिलेंगे क्योंकि इनमें जो है प्रैक्टिकली ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया स्कैनर को कहा जाता है कंप्यूटर की आंख, कंप्यूटर की नींव, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर का प्रोग्राम, उक्त सभी कहा जाता है ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है कि कंप्यूटर की आंख जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि ये आंख की तरह क्या करती है, वर्क करती है। जैसे आप स्कैन करना है, फोटोकॉपी करना होता है तो यहाँ पे स्कैनर था, स्कैनर का मतलब क्या होता है, आंख से ऐसे देखना होता है, जैसे ये क्या करती है सभी टैक्स अक्षरों को अच्छी तरीके से देख के रीड यहाँ पे करती है और इनपुट के रूप में उसे कंप्यूटर में भेज देती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है जिसमें पूछा गया आपसे कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है ना। तो यहाँ पे कितने बिट का पूछा हुआ है, डिकोड करती है। चलिएगा इसके ऑप्शन देख लेते हैं जो कि ऊपर है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन की सीरीज है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे जो हम 2000 MCQ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो उसको जो है यहाँ पे बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, इसके 50 पार्ट में करूंगा और उसमें जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
चलिएगा, आपके लिए समय भी मिल चुका था कि इसके ऑप्शन दिखाने के लिए इसमें जो है आपने आंसर किया। तो यहाँ पे देखिएगा जो लिखा हुआ है 33 बिट, 32 बिट, 50 बिट और 100 बिट, 1 बिट। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा है 32 बिट्स है। और इसमें अगर 64 बिट भी होता तो वो भी आपका यहाँ पे सही हो जाता है ना, क्योंकि जो है हम लेंथ होती है वो हमारी बिट में आती है और ये 32 और 64 की बिट में यहाँ पे मिलती है। चलेगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे मुख्य आगम उपकरण है। तो इसमें पूछा है कीबोर्ड है, माउस है, पंच कार्ड है, स्कैनर है, उक्त सभी है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, उक्त सभी है, जो कि मैंने आपको बताया उपरोक्त सभी, यानी कि आपका यहाँ पे 5 सही आंसर होगा। मुख्य आगम यानी हमारा जो सिर होता है उसके सामने होती है, तो यहाँ पे कीबोर्ड होता है, माउस भी होता है, स्कैनर भी होता है, पंच कार्ड होता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो जस्ट हमारे सामने ही रखा होता है पूरा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही होती है ना। चलेगा, अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे है, इसमें पूछा है कि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी किस प्रकृति की मेमोरी है। स्थाई प्रकृति की है, अस्थाई प्रकृति की है, अशांत स्थाई प्रकृति, उक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यह है यहाँ पे स्थाई प्रकृति की है, यानी कि जो रोम होती है उसमें अगर आप देखेंगे कि लाइट चली जाएगी तो भी हमारा क्या है यहाँ पे डाटा बना रहता है। चलेगा, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है एक्सेल की एक सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, अब आपने कभी ऐसे टाइप करके तो देखा नहीं हुआ, यहाँ पे एक सिंगल सेल में पूछा है ना, एक सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं, 256, 1024, 32,000, 65,000, 535। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 4 है, और इसमें है आपका 65,535 है ना। तो ये जो है यहाँ पे सही होगा, बड़ में अपना आता है 0 से लेके 256 तक आता है, इसमें आपका वहां पे क्या होता है लेंथ होती है, मतलब एक सिंगल जो रहेगा वहां पे कितना लंबा वहां पे कर सकती है ना। चलिएगा, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी भाग है वो किसका है, इनपुट का है, आउटपुट यहाँ पे यूनिट का है या सीपीयू का है या मदरबोर्ड का। मुख्य मेमोरी जो होती है वो क्या है यहाँ पे किसका भाग है, ये हमारा सीपीयू का है, यानी कि आपका यहाँ पे 3 सही आंसर है। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया हार्डवेयर में शामिल है। तो यहाँ पे हार्डवेयर में जो है क्या शामिल है, आगम उपकरण है, सीपीयू है, निर्गम उपकरण है, द्वितीयक मेमोरी उपकरण है ना। पूछा आपसे यहाँ पे क्या है हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में हमारा क्या होगा सीपीयू होगा है ना। अब ज्यादातर हम क्वेश्चन यही करते हैं, देख के लगाया सीपीयू होगा है ना, बट यहाँ पे आप आगम उपकरण भी है, यानी अभी जस्ट इससे पहले रिडल क्वेश्चन बताया मैंने, तो उसमें क्या था अपना हमारे सामने जो चीजें रखी हुई थी जैसे माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, तो ऐसी जो कीबोर्ड हुआ तो वो आगम चीजें थी, यहाँ पे निर्गम उपकरण है यानी कि निकलने वाला उपकरण, और यहाँ पे द्वितीयक मेमोरी से हम बाहरी मतलब स्रोत से अलग से लगाते हैं, पोर्ट के माध्यम से लगाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा उक्त सभी, यानी कि 5 सही आंसर होगा है ना। चलेगा, बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि मिनी जो है आपका यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है 5 GB होती है, 20 GB होती है, 3 GB होता है, 100 GB होता है या यहाँ पे 100 MB होता है। तो यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर लिया है हमारा, मिनी कंप्यूटर है, जिसमें हमारा सही आंसर क्या होगा 20 GB होगा, यानी कि जो मिनी कंप्यूटर होंगे उसमें स्टोरेज क्षमता कितनी रहेगी 20 GB यहाँ पे रहती है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं, बाइनरी विकल्प में विकल्प यहाँ पे होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं और यहाँ पे 5 होते हैं। चलिए, तो सही आंसर यहाँ पे हमारा है 2, यानी कि हमारा कितने हो गए बाइनरी में विकल्प 2 होंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे रहा, इसमें आप सभी से पूछा गया कि माइक्रो कंप्यूटर का के रूप में है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नेटवर्क कंप्यूटर है, फॉर्म कंप्यूटर है या उक्त सभी, यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा माइक्रो कंप्यूटर किस रूप में है, तो
डेस्कटॉप में भी मिल जाएगा, लैपटॉप में, फॉर्म टैब में, ये तीनों तो सही है। अब नेटवर्क कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क से भी रिलेटेड होगा तो नेटवर्क कंप्यूटर में चला जाएगा, है ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, उक्त सभी है, यानी कि 5 सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे देखिएगा इसमें पूछा गया आपसे कि 980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। आईबीएम ने, शत्यम ने, विप्रो ने, उक्त सभी ने। सही आंसर हमारा यहाँ पे आईबीएम ने है, जिसमें आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, और ये 1980 में जो है यहाँ पे बनाया गया था। कौन सा था? पर्सनल कंप्यूटर आपका यहाँ पे था। चलेगा अगले क्वेश्चन में जो कि आपसे पूछा गया यहाँ पे कि हाइब्रिड कंप्यूटर मिश्रण है, तो जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसका मिश्रण है? एबेकस प्लस कैलकुलेटर का है, पंच कार्ड प्लस लैपटॉप का है, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का है, कैलकुलेटर प्लस पंच कार्ड का, या उपयुक्त सभी है। तो सही आंसर हमारा है यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का, जो कि दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिलेगी, जब जाके हमारा क्या बनेगा यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। चलिएगा अगर आप सभी ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा जिसको जो है आप यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर जो है उसे क्लिक कर लेना है। देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो बोलने में थोड़ा पैसा लगता है। संगणक यानी कैलकुलेशन यहाँ पे पूछा है, मशीन का आविष्कार किसने किया था? जे बी हैकर ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, जैकर्ड ने किया था, हॉवर्ड एकर ने किया था। सही आंसर है हमारा यहाँ पे ब्लेज पास्कल ने किया था। किसका था? संगणक यानी कि कैलकुलेशन जो डिवाइस थी उसका यहाँ पे किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि ये रहा आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ था? 1930 से, 1950 से, 1956 से, 1958 से, या 1970 से? सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे 1950 से है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो कब बना था यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। तो 1950 से जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर्स बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये रहा यहाँ पे, इसमें पूछा है आप सभी से निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का रूप है? पंच कार्ड है, सयंत्र है, रोकड़ है, कार है, और रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का रूप है, तो इसमें देखिएगा सही आंसर हमारा क्या है? पंच कार्ड है। रोकड़ रुपए हो गया, रेलगाड़ी अलग हो गया, कार अलग हो गया, संयंत्र मतलब कोई भी डिवाइस हो सकता है, बट यहाँ कंप्यूटर का रूप है जो है क्या यहाँ पे पंच कार्ड है, यानी कि आपका बन सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बन होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये रहा, इसमें पूछा है कि डाटा प्रोसेसिंग का के चरण है, रिकॉर्ड करना है, वर्गीकरण करना है, क्रमबद्धता है, या गणना है। तो सही आंसर हमारा क्या है? उपरोक्त सभी है। इसमें हम डाटा जो प्रोसेसिंग करते हैं इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी पहले कराया है, जिसमें बताया था कि रिकॉर्ड करना है, वर्गीकरण, और उसमें मतलब बहुत से ऑप्शन थे तो वो वहां पे बताया था डाटा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अपना यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया आप सभी से निम्न में से किसके कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, है ना, किसे कंप्यूटर का यहाँ पे दिमाग भी कहते हैं? सीपीयू को, आगम इकाई को, डाटा को, विंग्स ट्रेंड को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कई बार अपने सीपीयू सीपीटी में आ चुका है, और कई बार कई सारे एग्जामों में यहाँ पे ये आता है। यहाँ पे ये दिमाग लिखा है, और कहीं कहीं आपको जो है मस्तिष्क भी कहा जा सकता है, है ना, तो मस्तिष्क भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें आप सभी से पूछा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आगम है, केंद्रीय संसाधन इकाई है, निर्गम है, या सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सीपीयू है, और यहाँ पे सीपीयू का हिंदी रूप क्या है? केंद्रीय संसाधन इकाई है, है ना। अब कंप्यूटर का हार्डवेयर पूछा था यहाँ पे, है ना, महत्वपूर्ण भाग भी पूछा था। अब कोई आगम चीज है जैसे मैंने बताया था, तो आगम में तो हमें ये प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि कीबोर्ड है, माउस है, या प्रिंटर है, तो ये नहीं हो रहा है। निर्गम में भी नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर में भी नहीं हो रहा है,
बट यहाँ पे हार्डवेयर था। हार्डवेयर का मतलब जैसे हम छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, है ना। तो और महत्वपूर्ण भी भाग यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि कंप्यूटर के का उपकरण है, आगम उपकरण है, सीपीयू है, निर्गम उपकरण और किसका भी है। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही, ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही अभी इसमें कर चुके हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, उक्त सभी है, यानी कि आपका यहाँ पे 4 सही होगा, है ना। इसमें आगम उपकरण भी हो जाएंगे, निर्गम हो जाएगा और सीपीयू भी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्या होते हैं, उपकरण है, डिवाइस है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर के विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श कर या देख सकते हैं कहलाते हैं। अभी जैसे ही मैंने बताया था ना, तो उसके रिलेटेड ही है, हार्डवेयर, है ना। तो सही आंसर यहाँ पे हार्डवेयर ही है। हार्डवेयर की डेफिनेशन ही भी यही है कि भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श कर या देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यंत्र इकाई। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है, जिसमें कहा गया है आप सभी से ब्लैंक स्थान आपको जरूर देखने को मिलते हैं। सीबीसीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क है, पेरिफेरल है, एक्सपेंशन बोर्ड है, डिजिटल डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा यहाँ पे 1 है, नेटवर्क है, क्योंकि जब हमारा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, इसमें कहा गया है कि डाटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, नेक्स्ट है, की है, अल्फा न्यूमेरिक है या यहाँ पे न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे हमारे जो फील्ड्स है वहां पे कैलकुलेशन के लिए नंबर प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो न्यूमेरिक की होगी, यानी कि नंबर आपके होंगे, यानी कि 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलेगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा हो उसको भी जो आप प्रेस कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकन। सही आंसर हमारा है यहाँ पे यूजर फ्रेंडली। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है, तो वो इशारों में या संकेतों में ही आपकी बात को समझ जाता है कि ये जो मेरे से ये कहना चाह रहा है, क्योंकि पहले से ही अपना फ्रेंड होता है, उसे पता होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ ली गया, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, यहाँ पे यूजर फ्रेंडली है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा है जो कि सीपीयू का वह भाग है। यहाँ पे क्या पूछा है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित है। यहाँ पे मदरबोर्ड है, कोऑर्डिनेट है, कंट्रोल यूनिट है, ऑटोमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, कंट्रोल यूनिट है, जो कि ये सारी चीजों को यहाँ पे देखता है ना। भाग का पूछा था तो भाग यहाँ पे बताना था, ALU होता तो आर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो जाता। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे जो अपना प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है, सारे वही क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन को करवाना चाहते हैं आप सभी को, जो आप CPCT एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को 100% मिलते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को यहाँ पे मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर हो जाता है, हार्डवेयर कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को क्या कर लेता है, यहाँ पे मैनेज कर लेता है, वो कि हमारा क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि नए नाम सहित, है ना, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कमांड है सेव, सेव एंड रिप्लेस है, सेव एंड सेव एज है, न्यू फाइल है,
तो यहाँ पे नए लोकेशन के लिए नए नाम सहित है तो सेव एज का यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, 3 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है ब्लैंक स्थान है और यहाँ पे ब्लैंक स्थान है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, प्रिंटर है, स्कैनर प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या है, कीबोर्ड माउस है, इसे ज्यादातर यानी सर्वाधिक सामान्य इनपुट क्या है यहाँ पे डिवाइस है। आपके पास क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस भी होता है, ज्यादा से ज्यादा यूज आप क्या करती हो सिस्टम में, आपके पास कीबोर्ड का करोगे और माउस का करोगे। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या था, 4 था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे कि शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, की और की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल अल्ट का, फंक्शन टॉगल का, डिलीट इंसर्ट का, कैप्स लॉक का या नेम लॉक का। सही आंसर है यहाँ पे कंट्रोल और अल्ट का जो है कॉम्बिनेशन की के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, तो जो हमारी हार्ड ड्राइव है मैग्नेटिक डिस्क की होती है, तो यहाँ पे जो ड्राइव है उसको स्टोरेज माना जाता है, फ्लैश का, नॉन वोलाटाइल का, टेम्परेरी या नॉन परमानेंट या इनमें से कोई नहीं है। तो स्टोरेज माना जाता है तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जो भी हमारा यहाँ पे स्टोरेज करेंगे वो कहाँ जाएगा, नॉन वोलाटाइल रहेगा, यानी कि स्थाई आपका यहाँ पे रहता है जो भी हम स्टोरेज करते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट्स को आइडल रखने पर होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, हाइबरनेशन है, पावर डाउन है, स्टैंड बाय मोड है, शट डाउन प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा गया था आपसे, हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री हैं कंपोनेंट्स को यहाँ पे आइडल रखने पर होता है, तो सही आंसर हमारा ये यहाँ पे 5 यानी 1 और 3 है, हाइबरनेशन होगा और स्टैंड बाय मोड भी होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 1 होगा। अगर आपके पास हाइबरनेशन या स्टैंड बाय मोड दो में से कोई भी ऑप्शन आता है, तो अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट्स के लिए आप आइडल रखने के लिए हाइबरनेशन ऑप्शन आएगा तो हाइबरनेशन पर क्लिक करना होगा, और स्टैंड बाय मोड पे आएगा तो उसको भी जो है स्टैंड बाय अकेला होगा तो स्टैंड बाय को करना होगा, और हाइबरनेशन आएगा तो हाइबरनेशन को करना होगा। चलेगा आज का क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में है, जैसे कि मैं हर रोज आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो के अंत में देता हूँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आप कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये आपका सही है या गलत आपने दिया है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से में स्टोर की जाती है, रोम में होती है, हार्ड ड्राइव में होती है, डिस्केट में होती है या डैशबोर्ड में होती है। तो सही आंसर मुझे तो पता ही, आप जल्दी से जल्दी वीडियो में कमेंट करिएगा इसका जो है क्या सही आंसर है। चलिएगा मिलते हैं कल फिर, अपना जो टाइम है उस टाइम को मत भूलिएगा, 8:30 PM पर जो है आपको मेरा वीडियोस मिलता है, रेगुलर और कंटिन्यू वीडियो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो जाइएगा वीडियो को जो है मैं पहले से ही अपलोड करके सेट कर लेता हूँ, जिससे आप सभी को जो है पता चल जाता है कि हाँ जो 8:30 बजे की वीडियो है वो वीडियो प्रीमियर के रूप में दिखाई जाएगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।